Assalamualaikum, dear students, hope you are fine. Here we are learning science of class 1 and it's on page number 5. तो आज हम class 1 की science का chapter number 2 पढ़ने लगे हैं जिसका title है the senses. सबसे पहले तो यहाँ पे sense का मतलब क्या होता है? Sense का मतलब होता है एहसास, किसी चीज़ को feel करना, महसूस करना. The senses मतलब हमारे हवास. और इस chapter को पढ़ने के बाद आप लोग क्या सीखेंगे कि सेंस ऑर्गन्स के नेम क्या है, इनकी फंक्शंस क्या क्या हैं और हमारे पास कितने सेंसेस हैं और वो कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं और वो क्या है. सो लेट्स गेट स्टार्ट. सबसे पहले कुछ कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, सेंस ऑर्गन, स्मेल, टच, टेस्ट, हेयर, सी, फील, साउंड, ये सारे हमारे पास यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं. तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. We live in a colorful and beautiful world. हम एक बहुत रंगीन और खूबसूरत दुनिया में रहते हैं. अल्लाह के बस 5 सेंसेस, अल्लाह ताला ने हमें 5 हवास दिए हैं. With 5 special body parts to explore the world around us. 5 खूबसूरत body parts, 5 खूबसूरत जिस्म के हिस्सों के साथ ताकि हम इस दुनिया को देख सकें, इस दुनिया को महसूस कर सकें, इस दुनिया की खूबसूरती को देख सकें. These special body parts are called sense organs. और जो बॉडी पार्ट्स जो हमें दिए गए हैं ताकि हम अपने सेंसेस को यूज़ कर सकें, उन बॉडी पार्ट्स को सेंस ऑर्गन्स कहते हैं. क्लियर? सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो बॉडी पार्ट्स क्या क्या हैं, उनके नेम क्या है और उनके फंक्शंस क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्किन टू टच एंड फील विद. सबसे पहले तो क्या दिए, स्किन. स्किन मतलब जैसे कि हमारी बॉडी के ऊपर, ये तो सबको पता है कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर हड्डियाँ हैं, बोन्स हैं, ओके. फिर ब्लड है और फिर उसके बाद ऊपर स्किन है जो हमें नज़र आती है, जैसे हमारे हैंड्स हैं, हमारे फुट हैं, लेग्स हैं, एक्सेट्रा, ये सारी हमारी स्किन है. तो सबसे पहले क्या दिया है, स्किन दिया है फील करने के लिए, ताकि हम कुछ फील कर सकें कि कोई चीज़ ठंडी है, गर्म है. हमें विद इन सेकेंड पता लग जाता है, या शायद हमें टाइम ही नहीं लगता ये पता करने में कि कोई चीज़ ठंडी है, गर्म है, एवरेज है, मतलब सब कुछ फील कर सकते हैं हम. किसकी मदद से? स्किन की मदद से, सिर्फ एक टच की मदद से. नेक्स्ट है टू हेयर्स टू हेयर विद. टू ईयर्स टू हेयर विद, दो कान दिए हैं सुनने के लिए. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें दो कान भी दिए सुनने के लिए, कि कोई बात हम सुन सकते हैं और सब कुछ सुन सकते हैं, जो अगला बंदा कहना चाह रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, सब कुछ सुन सकते हैं. नेक्स्ट क्या है, टू आइज़ टू सी विद. दो आंखें दिए देखने के लिए, हमारे पास दो आंखें हैं, हम इसे क्या करते हैं, देख सकते हैं. अ टंग टू टेस्ट विद, एक ज़ुबान दी है टेस्ट करने के लिए, जिसे हम खाने को टेस्ट करते हैं, जिसे हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि जो फूड है उसमें, मतलब जो हम खाते हैं उसका टेस्ट कैसा है. अ नोज टू स्मेल विद, और एक नोज दी है स्मेल करने के लिए, चीज़ों को सूंघने के लिए. तो हमें कोई खुशबू आती है तो हम क्या, किससे फील करते हैं, हम नोज से वो चीज़ फील करते हैं, उसकी स्मेल, उसकी फ्रेग्रेंस को नोज से फील करते हैं. सो ये थे हमारे 5 सेंसेस, 5 ऐसे बॉडी पार्ट्स, 5 ऐसे सेंस ऑर्गन्स जिनकी मदद से हम लोग चीज़ों को फील कर सकते हैं. तो अब हम आगे बात करने जा रहे हैं आर सेंसेस के बारे में. आर सेंसेस मतलब हमारे हवास. दीज आर सीइंग, हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग एंड टचिंग. ये सारे क्या होते हैं, चीज़ों को देखना, सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना और टच करना. वी यूज़ अवर टंग टू टेस्ट, हम अपनी ज़बान को यूज़ करते हैं खाने को टेस्ट करने के लिए. वी हैव टेस्ट बर्ड्स ऑन आवर टंग, हम चीज़ों को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, अपनी ज़ुबान की मदद से. आवर सेंस ऑफ टेस्ट टेल्स अस इफ़ समथिंग इज स्वीट, सोर, बिटर और सॉल्टी. हमारी जो ज़ुबान का टेस्ट है, या फिर हमारी जो ज़ुबान, मतलब जो हमारे जो टेस्ट करने के जो सलाहियत है या फिर हवास है, उसकी मदद से हम ये चीज़ फाइंड आउट करते हैं कि कोई चीज़ मीठी है, खट्टी है या फिर नमकीन है. नेक्स्ट क्या है, वी यूज़ अवर आइज़ टू सी, हम अपनी आँखों का इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए. आवर सेंस ऑफ सीइंग टेल्स अस व्हाट साइज, शेप एंड कलर एंड ऑब्जेक्ट इज. हमारी जो देखने की सलाहियत है वो चीज़ हमें बताती है कि एक जो चीज़ है उसकी, उसका साइज़ क्या है, उसकी शेप क्या है, उसका कलर क्या है. जैसे हमें नज़र आ रहा है ये एक बॉल है, हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि हमें ये नज़र आ रहा है, वी नो इट, हमें जानते हैं. अगला क्या है, बैट है, इसकी शेप क्या है, सर्कल.
और ये क्या है? स्क्वायर। ये हम कैसे जानते हैं? क्योंकि हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, व्यूज आर ईयर्स टू हेयर। हम अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं सुनने के लिए। आर सेंस ऑफ हियरिंग टेल्स अस इफ अ साउंड इज लाउड और सॉफ्ट। जो हमारी सुनने की सलाहियत है वो हमें बताती है कि जो आवाज़ आ रही है वो सॉफ्ट है, नरम है, या फिर लाउड है, या फिर ऊंची है। ये बात हमें पता लग जाती है जब कोई हमारे साथ बात कर रहा होता है, तो हमें पता होता है कि वो इंसान पोलाइटली बोल रहे हैं या फिर बहुत लाउडली बोल रहे हैं। तो हम ये चीज़ फील कर लेते हैं किसकी मदद से? हमारे ईयर्स की मदद से, हमारे सेंस ऑफ हियरिंग की मदद से। नेक्स्ट, व्यूज आर नोज टू स्मेल। हम अपनी नाक का इस्तेमाल करते हैं सूंघने के लिए। आर सेंस ऑफ स्मेल टेल्स अस इफ समथिंग हैज़ अ प्लेजेंट और अनप्लेजेंट स्मेल। जो हमारी सूंघने की सलाहियत है, जो हमारे सूंघने का हवास है, वो हमें बताता है कि एक जो चीज़ है उसमें से अच्छी खुशबू आ रही है या फिर गंदी। ठीक है, हम स्मेल करते हैं तो हमें पता लगता है ना, किसकी मदद से? सेंस ऑफ स्मेल की मदद से। नेक्स्ट, लास्ट है, वी यूज़ आर स्किन टू फील और टच। हम अपनी स्किन को यूज़ करते हैं कोई चीज़ फील यानी महसूस करने के लिए और उसको टच करने के लिए। आर सेंस ऑफ टच टेल्स अस इफ समथिंग इज हॉट और कोल्ड, स्मूथ और रफ। हमारी जो टच करने की सलाहियत है वो हमें बताती है कि जो चीज़ है वो गर्म है, ठंडी है, स्मूथ है, या फिर रफ है। ये सब कुछ किसकी मदद से होता है? सेंस ऑफ टच की मदद से। लास्ट में उन्होंने पूछा है, कैन यू टेल विच सेंस इज वार्नस ऑफ डेंजर। ऐसा कौन सा सेंस है जो हमें डेंजर यानी खतरे से वार्न करता है? तो इसका जवाब आप लोग सोचें। होप सो आप लोगों को इस चैप्टर की समझ आई है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।